नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में ऑडियो लेक्चर के अंतर्गत राजनीतिक अवधारणा में आज हम लोग बात करेंगे अधिकार की राजनीति विज्ञान में अधिकार एक महत्वपूर्ण अवधारणा है इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या आधुनिक काल में बोसांके द्वारा प्रस्तुत की गई प्राचीन काल में अधिकार की सीमित अवधारणा प्रचलित थी क्योंकि यूनान में दास वर्ग को कोई अधिकार नहीं मिला था सभी अधिकार केवल और केवल स्वामी वर्ग को ही प्राप्त था मध्यकाल काल में पोपशाही राजशाही और सामंतशाही के चलते अधिकार की अवधारणा का जन्म ही नहीं हो पाया आधुनिक काल में ही अधिकारों की अवधारणा का विकास पूंजीवाद के जन्म के बाद हुआ है अधिकार की परिभाषा की बात करें तो अलग अलग राजनीतिक विचारकों ने अधिकार की अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है लास्की ने कहा अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता राज्य की प्रकृति का निर्धारण उसके द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों से होता है यदि राज्य नागरिकों को आर्थिक अधिकार देगा तब उसकी प्रकृति समाजवादी होगी और यदि राज्य के द्वारा राजनीतिक और कानूनी अधिकार प्रदान किया जाता है तो राज्य की प्रकृति पूंजीवादी होगी अधिकार को परिभाषित करते हुए लास्की ने कहा कि अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है अधिकार की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा की बात करें तो अधिकार की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा बोसांके ने दिया है इन्होंने कहा अधिकार निरपेक्ष अवधारणा नहीं है इसका अर्थ है कि राज्य द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है अधिकार को जनहित पर आधारित होना चाहिए अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं इसीलिए प्रोफेसर वाइल्ड ने कहा कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही है कुछ विशेष कार्यों के करने की स्वतंत्रता के विवेकपूर्ण मांग को अधिकार कहा जाता है हॉलैंड ने कहा अन्य व्यक्तियों के कार्यों का अपनी शक्ति से नहीं बल्कि समाज के बल पर प्रभावित करने की व्यक्ति की क्षमता को अधिकार कहते हैं ग्रीन ने कहा अधिकार वह शक्ति है जिसे लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है और उसे मान्यता भी प्राप्त होती है गार्नर ने कहा उन शक्तियों को जो नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के व्यवसाय की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है उसे अधिकार कहा जाता है और अधिकार की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा देने वाले बोसांके ने कहा अधिकार वो मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य द्वारा उसे मान्यता प्रदान करके लागू कर दिया जाता है इसीलिए अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है और किसी के भी अधिकार का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध माना जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अधिकार के अनेक सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया गया है राजनीति विज्ञान में अधिकारों के सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत है अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी विचारकों ने किया है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत स्वीकार करता है कि अधिकार मनुष्य को राज्य से नहीं बल्कि प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं व्यक्तिवादी विचारकों द्वारा इसका समर्थन किया गया प्राचीन रोमन सिद्धांत में दिखलाई पड़ता है कि व्यक्ति को अधिकार प्राकृतिक रूप से सभी को समान रूप से प्राप्त थे यहाँ पर लॉक ने कहा कि व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो जाता है और राज्य में व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों के साथ ही प्रवेश करता है लॉक प्राकृतिक अधिकारों का सर्वश्रेष्ठ समर्थक है लॉक ने कहा जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं जिसमें संपत्ति का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संपत्ति की व्याख्या के लिए लॉक ने श्रम सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया व्यक्ति जब किसी भी वस्तु पर अपना श्रम लगाता है तो वह वस्तु उसकी संपत्ति बन जाती है डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा अधिकार उसी प्रकार मनुष्य के प्राकृतिक अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी त्वचा का रंग इसलिए प्राकृतिक अधिकार स्वतः सिद्ध हैं उनके औचित्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है थॉमस पेन ने अपनी पुस्तक राइट्स ऑफ मैन में कहा कि प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है रूसो ने कहा प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा था परंतु राज्य की उत्पत्ति के बाद प्राकृतिक अधिकार सामान्य इच्छा में विलीन हो गया 1776 में अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन पर प्राकृतिक अधिकार का प्रभाव पड़ा है इसी कारण स्वतंत्रता समानता और सुखानुसरण का नारा भी दिया गया प्राकृतिक अधिकार मनुष्य का वो अधिकार है जो व्यक्ति के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा है इसी कारण रूसो ने कहा कि यदि सरकार प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है तो जनता को यह अधिकार होगा कि वह सरकार को बदल भी सके और अब आइए बात करते हैं प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की प्राकृतिक शब्द एक अस्पष्ट अवधारणा है क्योंकि प्राकृतिक शब्द का प्रयोग अलग अलग विचारकों द्वारा अलग अलग अर्थों में किया जाता है जैसे अरस्तु ने कहा कि राज्य एक प्राकृतिक संगठन है तब वहाँ पर प्राकृतिक शब्द का अर्थ स्वाभाविक है प्रोफेसर रिचि ने कहा कि प्राकृतिक शब्द से अनेक अर्थों का बोध होता है जैसे ब्रह्मांड पर्वत नदियां प्रारंभ करना या आदेश देना इत्यादि जब राज्य ही अस्तित्व में नहीं आया है तब भला अधिकार अस्तित्व में कैसे आएगा या उसे कौन लागू करेगा राज्य के बिना अधिकार की कल्पना करना बोसांके की परिभाषा के विरुद्ध है बेंथम ने कहा प्राकृतिक अधिकार मूर्खतापूर्ण है बकवास है क्योंकि किसी भी अधिकार के लिए राज्य की स्वीकृति और संप्रभुता के द्वारा उसका लागू किया जाना आवश्यक है संप्रभुता सत्ता के द्वारा उसका लागू किया जाना आवश्यक है संप्रभु सत्ता के द्वारा उसका लागू किया जाना आवश्यक है प्राकृतिक अधिकारों के विषय पर विभिन्न राजनीतिक विचारक एक मत नहीं है लास्की ने कहा प्राकृतिक अधिकारों की कोई अस्थाई सूची का निर्माण नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ विचारक व्यक्तिगत संपत्ति को प्राकृतिक मानते हैं और कुछ विचारक स्त्री और पुरुष के मध्य समानता को प्राकृतिक मानते हैं अरस्तु एक ऐसा विचारक है जिसने कहा कि दासता भी प्राकृतिक है आलोचनाओं के बावजूद प्राकृतिक अधिकारों का महत्व भी है और इसका महत्व तो इस बात में है कि इनके द्वारा राज्य की उत्पत्ति से पूर्व भी व्यक्ति और उसके अधिकार के महत्व को बतलाया है परंतु प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत अमान्य करार दे दिया गया और अब आइए बात करते हैं अधिकारों के दूसरे सिद्धांत यानी कानूनी सिद्धांत की अधिकारों का कानूनी सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया यह सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति के बाद ही अधिकार का जन्म हुआ क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अधिकार कानून की देन है बोंडा विलोबी हॉब्स और ऑस्टिन इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं ऑस्टिन सर्वश्रेष्ठ विचारक या चिंतक माना जाता है यह आधुनिक काल की देन है यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि अधिकार का एकमात्र स्रोत कानून है और इससे परंपराओं की उपेक्षा होती है जबकि व्यवहार में देखा जाता है कि परंपरा और रीति रिवाज कानून का स्वरूप धारण कर लेते हैं अधिकार का कानूनी सिद्धांत राज्य की निरंकुशता को स्थापित कर देते हैं जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता अधिकारों का कानूनी सिद्धांत लोकतांत्रिक मान्यता के विरुद्ध है हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा राज्य अधिकार को जन्म नहीं देता परंतु उसका संरक्षण अवश्य करता है इसलिए स्पेंसर ने कहा है कि समाज में अपराध विद्यमान है इसीलिए राज्य अस्तित्व में बना हुआ है डॉक्टर आशीर्वादम वादम ने कहा है कि यह कहना कि राज्य अधिकारों का एकमात्र निर्माता है राज्य को निरंकुश बना देता है राज्य जब चाहे तब अधिकारों में संशोधन कर सकता है इसलिए अधिकार की कोई अस्थाई सूची का निर्माण नहीं किया जा सकता अधिकारों का कानूनी सिद्धांत एक कठोर सिद्धांत है लेकिन आलोचनाओं के बावजूद भी इस सिद्धांत का महत्व है कि इसने राज्य की सत्ता को अधिकार की मान्यता के लिए आवश्यक तत्व माना है और यह बात वर्तमान में भी लागू होती है और अब आइए हम लोग बात करते हैं अधिकारों के तीसरे सिद्धांत यानी ऐतिहासिक सिद्धांत की यह सिद्धांत रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है इसके अनुसार परंपराएं ही अधिकार का स्वरूप धारण कर लेती हैं। राज्य के द्वारा केवल इन्हें मान्यता दी जाती है और ऐसे में अधिकार ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज मात्र होती है बर्क को अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ समर्थक माना जाता है। और हेनरी मैन के द्वारा भी अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन किया गया एडमंड बर्ग के अनुसार अधिकार रीति रिवाज और परंपरा के मूर्त स्वरूप हैं। जेलीनेक ने कहा संस्थाओं के उचित अध्ययन के लिए उसका स्वरूप राजनीतिक कानूनी अथवा सामाजिक कुछ भी रहा हो परंतु उसके ऐतिहासिक आधार को खोजना अवश्य ही पड़ता है क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान इतिहास से ही प्राप्त होता है मनुष्य जब किसी रास्ते पर चलना प्रारंभ करता है तब वह रास्ता एक दिन पगडंडी और बाद में आम रास्ता बन जाता है इसी प्रकार ऐतिहासिक परंपराएं ही अधिकार का स्वरूप धारण कर लेती हैं आलोचकों के अनुसार सभी परंपराएं लोक कल्याणकारी नहीं होती इसलिए सभी परंपराओं को अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दिया जा सकता जैसे सती प्रथा अस्पृश्यता बाल विवाह भारत की परंपरा रही है परंतु इन्हें अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है प्रोफेसर हॉकिंस ने कहा ये कहना कि रीति रिवाज हमेशा ठीक ही होते हैं उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि ये कहना कि कानून के द्वारा किसी भी वस्तु को वैधानिक बनाया जा सकता है रीति रिवाज रूढ़िवादी होते हैं इसलिए अगर रीति रिवाज को अधिकार के रूप में मान्यता दिया जाता है तब सुधार करने की संभावना समाप्त हो जाएगी और परिस्थितियों के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा अधिकारों का एकमात्र स्रोत रीति रिवाज ही नहीं होता बल्कि अन्य स्रोत भी हैं जैसे विधायिका कार्यपालिका संविधान इत्यादि इसकी भी आलोचना की गई लेकिन आलोचनाओं के बावजूद भी इस सिद्धांत का महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा अधिकार के स्रोत के रूप में रीति रिवाज और परंपराओं को भी महत्व प्रदान किया गया चौथे सिद्धांत की बात करते हैं और वो है समाज कल्याण सिद्धांत इस सिद्धांत का प्रतिपादन उपयोगितावादी विचारकों ने किया है यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि अधिकार को समाज कल्याण पर आधारित होना चाहिए बेंथम और जेसमिल इस अधिकार के सर्वश्रेष्ठ समर्थक माने जाते हैं बेंथम ने कहा अधिकार की एकमात्र कसौटी सुखवाद की अवधारणा है बेंथम के अनुसार अधिकार को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित होना चाहिए बीसवीं शताब्दी में लास्की के द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया उनके अनुसार वही अधिकार श्रेष्ठ होता है जो राज्य के संपूर्ण सदस्यों के लिए मूल्यवान और महत्वपूर्ण होता है ऐसे में राज्य के द्वारा अधिकार को मान्यता प्रदान करते समय यह देखा जाना चाहिए कि कौन सा अधिकार लोक कल्याण पर आधारित है और कौन सा अधिकार लोक कल्याण पर नहीं है लास्की ने कहा है कि लोक कल्याण के विरुद्ध व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता सेबाइन ने बेंथम के विचारों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकतम सुख का सिद्धांत एक कुशल विधायक के हाथों में एक प्रकार का सार्वभौम अधिकार सौंप देता है टीएच ग्रीन ने कहा है कि किसी भी उद्देश्य का निर्धारण केवल लोक कल्याण के आधार पर ही किया जा सकता है आगे चलकर इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई और आलोचकों के द्वारा आलोचना की कुछ आधार बताए गए जैसे सुखों का कोई सर्वमान्य मानदंड नहीं होता क्योंकि कुछ लोग भौतिक सुखों को मान्यता देते हैं तो कुछ लोग आंतरिक सुखों को मान्यता देते हैं दूसरा है समाज कल्याण के विषय पर सभी राजनीतिक चिंतक आम सहमति नहीं रखते बल्कि उनके विचार अलग अलग हैं यदि लोक कल्याणकारी अधिकार को लागू कर दिया जाता है तब राज्य के ऊपर अनावश्यक रूप से आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत कल्याण के मध्य अनेक बार अंतर विरोध भी उत्पन्न हो जाता है और आलोचनाओं के बावजूद भी अधिकारों के सिद्धांत का महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा सबसे पहले लोक कल्याण को अधिकार का आधार माना गया अगला सिद्धांत है आदर्शवादी सिद्धांत अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि अधिकार आंतरिक व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है यह सिद्धांत नैतिक अधिकारों पर बल देता है यूनान में प्लेटो अरेस्तु ब्रिटेन में टीएच जर्मनी में हीगल के द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया गया आलोचकों ने कहा है कि आंतरिक व्यक्तित्व का विकास दिखलाई नहीं पड़ता तब भला इसे अधिकार के रूप में मान्यता कैसे दी जा सकती है नैतिक अधिकार की कोई मान्यता प्राप्त सूची नहीं है आलोचना के बाद भी इस सिद्धांत का महत्व है कि इसने अधिकार के लिए नैतिकता को महत्वपूर्ण मान लिया कार्ल मार्क्स के द्वारा आर्थिक अधिकार का समर्थन किया गया जबकि पूंजीवादी विचारक राजनीतिक और कानूनी अधिकार को अधिक महत्व प्रदान करते हैं अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं प्रोफेसर वाइल्ड के अनुसार कर्तव्यों के संसार में ही अधिकारों की प्राप्ति होती है महात्मा गांधी के अनुसार अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य ही होता है लास्की के अनुसार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबंधित हैं मुझे अधिकार इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि मैं अपना योगदान सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति में कर सकूं महात्मा गांधी ने फिर कहा कि अगर सभी लोगों के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन किया जाता है तो अधिकार उन्हें अवश्य प्राप्त हो जाएंगे भारतीय संविधान में भी नागरिकों के लिए अधिकारों और कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है ऐसे में भारत के संविधान में यदि मौलिक अधिकार है तो इसमें मूल कर्तव्य भी पाया जाता है फिलहाल आज के ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हमारी आपकी फिर से होगी मुलाकात तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार